भारत ने जिस तरह आज पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है, उसके पीछे भारत के उन सेक्टर्स का अहम रोल है जो अपनी छाप इस तरह छोड़ रहे हैं कि बड़े बड़े देश आज खौफ में हैं। अब यकीन नहीं होता तो करिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से जल्द ही भारत की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। ये बातें हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद भारत के उद्योग मंत्री ने भी इस बात को दुनिया के सामने बताया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत सभी सेक्टरों में वैश्विक बाजार में अपनी छाप छोड़ना चाहता है और जल्द भारत की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगी। घरेलू कपड़ा उद्योग में आने वाले सालों में रोजगार पैदा करने की काफी संभावनाएं हैं। दुनिया में भारत जिस तरह से अपने आप को मजबूत करता जा रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। अब यकीन न हो तो आप रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत के निर्यात में तेजी को ही देख लीजिए। भारत ने मई के महीने में रिकॉर्ड तोड़ते हुए 62.21 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर दिया है। शायद यही वजह है कि गोयल ने आगे जोर देकर कहा कि तमिलनाडु आने वाले समय में दुनिया में टेक्सटाइल पंप्स, वेट ग्राइंडर्स और क्रिटिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में विकसित होगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण आज देश का इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट 440 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। अब जिस तरह से भारत में विकास की धारा बह रही है, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि देश जल्द ही 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था से 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंच जाएगा और सरकार लगातार इसके लिए कड़े कदम उठा रही है और सिस्टम में कई ढांचेगत बदलाव किए जा रहे हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 के मई 2022 में 20.55% से बढ़कर 38.94 अरब डॉलर रहा। इस दौरान आयात भी 62.83% से बढ़कर 63.22 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इस तरह व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड 24.29 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जबकि मई 2021 में व्यापार घाटा 6.53 अरब डॉलर रहा था। खैर, भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उससे देश को तो फायदा होगा ही होगा। उसके साथ ही दुनिया को साफ दिखना शुरू हो गया है कि अगर किसी भी देश ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया तो वो झट से खत्म हो जाएगा। उदाहरण पाकिस्तान और वो देश जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।